बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू आर्टिकल ऑफ क्लास 12th, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत आसान सा टॉपिक है और है बहुत इम्पॉर्टेंट। शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर सवाल आ सकता है इसका, और कंसेप्चुअल भी है। ठीक है, तो लेट्स कंपेयर इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहला डिफरेंस इन दोनों में यह है कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस के दरमियान होता है, और ग्रेविटेशन फोर्सेस बिटवीन टू पॉइंट मैसेस, ठीक है, मैसेस के दरमियान होता है। जैसे कि फार्मूला हमें पता है ग्रेविटेशन फोर्स का, एफ इजिकल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर, मैसेस आते हैं। जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स के फार्मूले में एफ इजिकल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, तो चार्जेस आ रहे होते हैं। ठीक है, चार्जेस के दरमियान का फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है, इट कुड बी अट्रैक्टिव। इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है एंड इट कुड बी रिपल्सिव आल्सो। कैसे? चार्ज पार्टिकल्स लाइक हैं तो रिपेल करेंगे, और अनलाइक हैं तो दे विल बी अट्रैक्टिंग। तो ये दोनों तरह का हो सकता है। हाउएवर ग्रेविटेशन फोर्स जो है ये सिर्फ अट्रैक्टिव होता है। यू नो ग्रेविटेशन फोर्स इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अर्थ ओनली। तो अर्थ जो है हर बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, सिर्फ खींचती है, उसको रिपेल नहीं करती। हर बॉडी जो है अगर आप छोड़ दें तो इट विल बी फॉलिंग डाउन ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, तो ये सेकंड पॉइंट दोनों को डिफर करता है बहुत क्लियरली। तीसरी चीज़ है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स जबकि ग्रेविटेशन फोर्स इज़ अ वीक फोर्स। कैसे अंदाज़ा लगाया हमने? वो इससे लगाया कि इसके फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फोर्स के वी गेट एन इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हेयर, ठीक है, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, और उसकी वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁻⁹ इन SI यूनिट्स ये है। जबकि इसी तरह जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी, इसकी भी वैल्यू हमें पता है, इट इज़ 6.67 × 10⁻¹ⁱ SI यूनिट्स में। ठीक है, तो वी कैन कंपेयर दीज टू वैल्यूज़। तो ये हम देख रहे हैं कि ये 10⁻⁹ इज़ अ वेरी बिग नंबर, एंड हेयर 10⁻⁹ इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर। 10⁻⁹ का मतलब है एक कोई अगर हिस्सा है आपके पास जिस भी फॉर्म में, तो उसके अगर आप इतने 10⁻⁹ छोटे छोटे हिस्से कर दें, यानी कि 10 हिस्से नहीं, 100 हिस्से नहीं, 1000 हिस्से नहीं, एक के आगे 11 जीरोस जोड़ दें, तो जो वैल्यू बनेगी, इतने हिस्से एक किसी चीज़ के कर लें तो वो इतनी छोटी चीज़ जो होगी वो वैल्यू है इस कैपिटल जी की। ठीक है, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स की, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की। सो इट इज़ अ वेरी स्मॉल और वीक फोर्स। पांचवा पॉइंट हमारे पास है, इट इज़ मीडियम डिपेंडेंट। इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ मीडियम डिपेंडेंट। क्यों कह रहे हैं? फार्मूला देखिए, आपके पास एफ इजिकल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर आ रहा है। दिस एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हियर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर यहाँ मीडियम होता तो इट वुड हैव बीन 1/4πε मीडियम। हर मीडियम में जो कूलम फोर्स है या इलेक्ट्रिक फोर्स है, इट इज़ डिफरेंट। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि मीडियम डिपेंडेंट। हाउएवर द ग्रेविटेशन फोर्स इज नॉट मीडियम डिपेंडेंट। तो हम ये फार्मूले में दिखा के कह सकते हैं कि देखिए, इसमें कहीं मीडियम की कोई चीज़ फार्मूले में नहीं आ रही है, और यहाँ पे मीडियम की परमिटिविटी आ रही है। ठीक है, तो और लास्ट पॉइंट इसका बनता है, इट कैन बी शील्डेड। इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी शील्डेड बट ग्रेविटेशनल फोर्स कैन नॉट बी शील्डेड। अभी शील्डेड का मतलब क्या है? शील्डेड का मतलब है कि कोई भी चीज़ को आप, यानी कि शील्ड करना मतलब रोक देना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी शील्डेड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को आप रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? याद करें, हमने गॉसेस लॉ पढ़ा था। गॉसेस लॉ क्या था? इट इज़ द फ्लक्स ड्यू टू द नंबर ऑफ चार्जेस व्हेन इनक्लोज्ड इन अ 3D सरफेस। ठीक है, तो दैट वाज इक्वल टू योर टोटल नंबर ऑफ चार्जेस डिवाइडेड, टोटल चार्जेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो उस गॉसेस लॉ को फिर हमने हमने एप्लीकेशंस पढ़ी थी, और सबसे पहली एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी हॉलो चार्ज स्फीयर। याद करें, चार्ज स्फीयर हॉलो है, तो हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड इट, कुछ भी नहीं आई थी, जीरो आई थी। तो दैट मींस वहीं पर पढ़ा था कि एक हॉलो चार्ज स्फीयर एक्ट्स एज अ शील्ड फॉर एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ बीइंग प्लेस्ड इनसाइड इट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अगर आपने किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, तो आप उसको एक चार्ज हॉलो स्फीयर के अंदर रख दें, उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट नहीं होगी। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर, ये हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो उस हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर था, इट हैज़ बीन रखा हमने, इट हैज़ बीन शील्डेड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने उस तक पहुँचने से रोक दिया। ठीक है, जबकि ग्रेविटेशन फोर्स कैन नॉट बी शील्डेड। ग्रेविटेशन फोर्स हर जगह एक्ट हो रहा होता है आपके अर्थ पे अराउंड इट। ठीक है,
आप कोई ऐसी जगह नहीं बना सकते जहाँ पर आप कहेंगे ग्रेविटेशन फोर्स इज नॉट गोइंग टू एक्ट, इज नॉट गोइंग टू बी एग्जर्टेड ऑन द बॉडी. तो हम इसको कहते हैं कि इट कैन नॉट बी शील्डेड. तो दीज आर द फ्यू डिफरेंसेस, ठीक है ना. तो ये इस तरह से आपने हमेशा, जब भी आपको डिफरेंशिएट का सवाल आए ना, तो आपने ये कंपैरेटिव हमेशा टेबल बना के देना होता है, और जो पॉइंट आपने इसका लिखा है उसी से रिलेटेड पॉइंट आपने अगले उसका क्वांटिटी का लिखना है, ठीक है. इस तरह से कंपैरेटिव दीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, और इसको याद भी करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. और दूसरी बात ये कि सिमिलैरिटीज़ क्या हैं इनमें, कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं. सिमिलैरिटीज़ आप देखें कि बोथ ऑफ दीज आर एक्चुअली द कंजर्वेटिव फोर्सेज, याद करें फर्स्ट ईयर का. और दूसरी चीज़ ये कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का डिस्टेंस के साथ सेम इनवर्स रिलेशन है, और वो भी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के साथ. एफ इज़ इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, एंड दिस ग्रेविटेशन फोर्स इज़ ऑल्सो इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. ये सिमिलैरिटीज़ हैं इनकी. तो ये अगर सिमिलैरिटी भी पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना. तो आज का ये छोटा टॉपिक यहाँ तक. अब अगली वीडियो में मैं आपके पास इससे अगला टॉपिक लेकर आऊँगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलिगन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का, और दैट मेक्स द लॉन्ग क्वेश्चन इन बोर्ड एग्ज़ाम, उसको डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया.